हेलो हीना, कहाँ थी तुम? कब से घंटी बज रही थी? वो खैर छोड़ो, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुमने दवाइयां ली या नहीं। क्या बात है हीना, चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? जो भी कहना है मुझसे कहो। कौन बोल रहा है? तू वहां क्या कर रहा है? समीर यार, मुझे लगता है कि तू पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। भूलने लगा है चीज। याद कर मैंने तुझसे क्या कहा? कोई भी गैर मर्द अगर मेरी बीवी से बात करे मुझे पसंद नहीं है। भूल गया तू? हीना पर ही अपनी दावेदारी भूल जाकर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मुझे नसीहत देने से अच्छा यह है कि तू अपना रास्ता बदल ले। हीना का घर जिस गली में पड़ता है ना, तू उस गली से कभी गुजरेगा भी नहीं। और अगर गलती से तू कभी उस गली में आ गया तो उस घर में घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां तेरा सामना मुझसे हो, क्योंकि इस घर में अब मैं रहता हूं। तू और हीना के घर में रहेगा? अरे नहीं यार, हीना के घर में नहीं, अपने घर में। देख सीधी सी बात है, हीना हीना मेरी है। तो हीना की हर चीज मेरी हुई ना। से निकालना ही होगा। कैसे? कैसे? यही एक तरीका है कि तुम लोगों से बात करना बंद कर। सॉरी ये क्या पागलपन है आपका? पागलपन ही ठीक किया मैंने। अरे हर कोई आरा गहरा तुम्हें फोन करके उकसाता रहता है, भड़काते रहता है मेरे खिलाफ। फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, अब सब लोगों की कोशिश बेकार हो जाएगी। अच्छा क्या है? देखिए मैं आपकी तरह नहीं हूं कि किसी की भी बात में आ जाऊं। मैंने अपने फैसले खुद करना सीख लिया है। सीखा नहीं है हीना, सीखा नहीं है, भटक गई हो तुम, अपने फर्ज के रास्ते से भटक गई हो। अब मैं तुम्हें सही रास्ते पे ला सब। तुम्हारे अब्बू का है, इन्हें बताने क्या प्रॉब्लम है? इन्हें भी गवारा नहीं कि हम लोग एक साथ हैं। बोलिए जनाब, आपको क्या तकलीफ है? वहां तुम्हारी जरूरत कैसे हुई वहां जाने की? कैसे से हैं आप? नहीं, कैसे ससुर हैं आप बताइए मुझे। अपने दामाद से पूछ रहे हैं कि वो अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है? बकवास बंद करो, मेरी बात हीना से करवाओ। इतनी रात गए आप अपनी बेटी को, अपने दामाद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सही बात है कि अच्छी बात नहीं, आपको नहीं करना चाहिए इस तरह फोन। मैं ब्रश करने जा रहा हूं, मेरा नाइट सूट निकाल के रखना। इतनी सख्ती आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? वो नामाकुल हमारी बेटी के लिए अजाब बन गया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए इसी वक्त हीना के घर चलिए, अकरम को वहां हम एक पल नहीं रहने देंगे। सब्र बेटा, सब्र से काम। अब कैसा सब्र? हमारी बेटी की जान खतरे में है और हम सब्र के नाम पर हाथ धर कर बैठे रहे। तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये मुनासिब वक्त नहीं है। हमारे कहने पर अकरम उस घर को छोड़ने वाला नहीं है, कोई हंगामा खड़ा होगा और मोहल्ले में हमारी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी। क्या कहेंगे उसके बारे में लोग? एकदम आप बस आज की रात गुजर जाने दीजिए। अकरम हमारी बेटी के अकेले होने का फायदा उठा रहा है, लेकिन कल हम उसे बता देंगे कि हीना अकेली नहीं है। बस बेगम, आज की रात। सॉरी
कब तक रूठी रहोगी? प्लीज कुछ तो बात करो मुझसे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और ना ही तुम मुझसे कोई बात करोगे। तुम इसलिए नाराज हो ना कि मैंने अकरम भैया की साइड ली? तो और क्या करता मैं सब? भाई है वो मेरे। उनके साथ साथ तुम्हारा जमीर भी मर चुका है ना, जो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं समझते। वो अगर तुम्हारे भाई हैं, तो हीना बाजी भी मेरी बहन है। वो सच्चाई के साथ है और मैं उनके साथ। तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं अकरम भाई को उनके हाल पे छोड़ दूं क्या? ऐसे आदमी के साथ यही सलूक करना चाहिए ताकि रूबी उनके साथ और खिलवाड़ करे? प्लीज समझने की कोशिश करो सबा। हीना भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अकरम भाई जिम्मेदार थे, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदार थी रूबी। अकरम भाई का जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका। अब सारी मुसीबत आने वाली है हीना भाभी पर। हमें आपस में लड़ाई करने के बजाय साथ में मिलजुल कर रूबी से लड़ना चाहिए। शायद तुम ठीक हो, उसी की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए। हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना चाहिए। हमें ये तो पता है कि रूबी बचपन में दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ाई करती थी। वहां जाते ही और भी राज पता चल जाएंगे, और राज पता चलते ही रूबी और सुल्ताना हमारी मुट्ठी में होंगे। हीना पर लगाम तो अब डालनी ही होगी, आखिर मैं उसका शौहर हूं। हेलो हेलो मेरे शौहर जी, क्या हाल है आपका? तुम? तुम्हारे फोन के आने से पहले तक ठीक था, लेकिन तुम्हारे फोन के आते ही मन में आग लग गई मेरे। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे हीना के मन में आग लग रही होगी तुम्हारे वहां रहने पर। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हीना के घर में? शौहर जी वो क्या है ना कि कब कहां कैसे क्यों कौन सी चीज हो रही होती है हमें सब पता होता है। वो ऐसा है कि बचपन में मैं खिलौनों से खेलती थी, जैसे जैसे बड़ी होती गई खिलौने बड़े होते गए, आजकल मेरा खिलौना तुम हो। इस वक्त मैं बोर हो रही थी तो सोचा मैं अपने खिलौने से खेलूं। तुम हीना भी यही कह रही होगी है ना? है? वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में लटके नहीं टपके नहीं अटके। तुम अटक गए हो अकरम। बकवास बंद करो अपनी। एक न एक दिन हीना मेरी जरूर होगी, तब देखूंगा मैं तुम्हें। ये नौबत अब कभी नहीं आएगी, हीना तुम्हारी कभी नहीं होगी। ऐसा होगा रूबी, ऐसा जरूर होगा। हीना मुझे जरूर कबूल करेगी। अकरम की बेशर्मी की भी दाद देनी पड़ेगी। ना कुछ होने के बाद आप फिर भी मुझे पाने का दावा कर रहे हैं, और वो भी रूबी से। लेकिन आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस घर में आपका ये आखिरी दिन है। कल सुबह ही मैं आपको यहाँ से निकलवा दूंगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे। सुबह का इंतजार मैं भी करता हूँ, देखता हूँ तुम मुझे इस घर से कैसे निकालोगे। मामा, मामा, आपको पता है हीना ना अकरम को घास तक नहीं डाल रही। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। कहते हैं ना धोबी का गधा न घर का न घाट का। लेकिन कुछ मजा नहीं है मामा, मगर मुझे तो बहुत मजा आया जब हीना वो अकरम को फोन पे वो सब बातें बता रही थी ना, वो सुन के मुझे बहुत मजा आया। रूबी बात को और आगे बढ़नी चाहिए थी, दोनों में झगड़ा होता मोहल्ले वालों की नींद हराम हो जाती, लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते। हाय हाय बड़ा मजा आता। आप फिक्र मत कीजिए मामा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर।